हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्मिता और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रिव्यू। रिव्यू है दो किचन कैबिनेट्स का जो मैंने रिसेंटली परचेज़ की हैं फ्लिपकार्ट से, और ये दोनों ही कैबिनेट्स मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रही हैं। तो होप ये वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा और आपको हेल्प मिलेगी इस तरह की ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली कैबिनेट है ये कंफर्ट की एक्सटेंडेबल टेबल टॉप किचन ऑर्गेनाइजर स्टेनलेस स्टील रैक। ये इस तरह की डबल लेयर वाली रैक है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अवन के ऊपर जो स्पेस होता है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, और ये एक्सटेंडेबल भी है तो जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से पैक होके आई है, बाहर से बबल रैप है और अंदर से अच्छे से कार्डबोर्ड से पैक्ड है। तो इसे ओपन कर लेते हैं। पैकेजिंग की जहाँ तक बात की जाए तो पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, और इस तरह से ये सारा जो इसके पार्ट्स हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं, इन्हें हमें असेंबल करना होगा। तो यहाँ पर मैं वन बाय वन सारे पार्ट्स खोल लेती हूँ, और इसमें एक चेकलिस्ट दी हुई है, उसके साथ हम इसको टैली कर लेंगे कि सारे पार्ट हैं या नहीं। कई बार होता है कोई पार्ट मिसिंग हो तो आप असेंबल करने से पहले मेक श्योर करें कि सारे पार्ट उसमें हैं, क्योंकि इसमें एक चेकलिस्ट भी दी होती है जो आपको असेंबल करने के इंस्ट्रक्शन भी उसमें होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप उससे चेक कर लें, अगर पूरे पार्ट हैं तो आप इसको यूज़ करें, अदरवाइज़ आप इसे रिप्लेस करके दूसरा परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे पार्ट्स मैं इसी तरह चेक कर रही हूँ वन बाय वन, और साथ ही इसमें जो मैनुअल दिया हुआ है इसमें असेंबल किस तरह से करना है वो सारी चीज़ें भी दी हुई हैं। तो बहुत ही सिंपल है इसको असेंबल करना, और कोई छोटा बच्चा भी इसे इजीली असेंबल कर सकता है। बट आप सबसे पहले इसे अच्छे से चेक कर लें कि सारे पार्ट्स हैं इसमें कि नहीं, उन्हें एक बार काउंट भी कर लें। तो चलिए असेंबल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो इंस्ट्रक्शन पेपर है इसका, उससे हम इसे असेंबल कर रहे हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा बेटा ही इसे असेंबल कर रहा है, क्योंकि बहुत आसान है इसे असेंबल करना जैसे आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। ओवरऑल तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा है, बनने के बाद तो काफ़ी अच्छा लगा है, बट जब आप बना रहे हैं इसको तो आप देख सकते हैं इसकी जो रॉड हैं वो तो काफ़ी स्टडी हैं, बट जो इसके बीच के पार्ट हैं जो प्लास्टिक के हैं वो थोड़ा सा मुझे इतने पसंद नहीं आए, क्योंकि ये प्लास्टिक के हैं तो उनके टूटने का डर भी बना रहता है। एक बार असेंबल होने के बाद इसे बार बार आप नहीं खोलें तो ही बेटर रहेगा, एक बार असेंबल होने के बाद जस्ट सबको एज इट इज़ यूज़ करें। तो यहाँ पर ये असेंबल हो रहा है, इसके जो लॉक करने वाले पार्ट हैं वो भी प्लास्टिक के हैं, तो वो थोड़ा सा अगर वो थोड़ा सा अच्छे होते तो इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो सकती थी। और जो कि सेल्फ हैं उसके ऊपर भी हाफ वे इन्होंने प्लास्टिक शीट रखी हुई है, और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ इसके ऊपर शीट रखनी पड़ेगी जिससे आप चीज़ें इसके ऊपर इजीली रख पाएँ। तो इस तरह से ये असेंबल हो गया है पूरा प्रोडक्ट, ऊपर से भी इसके लॉक्स दिए हुए हैं, तो ये नोज़ल इस पर आप फिट कर दें इस तरह से तो ये फिर लूज़ नहीं होगा, एक बार फिट हो गया तो इसके स्क्रू लूज़ नहीं होंगे। तो बस इस तरह से ये सारा असेंबल हो गया है ऑलमोस्ट। और अगर आप इसको इस तरह से कम स्पेस में यूज़ करना चाहें तो इसका ये साइज़ है, और स्टार्टिंग में भी मैंने इसका साइज़ बताया है, वहाँ पे एक पिक में इस मेंशन किया हुआ है, और आप इसको इतना एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये है, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उस तरह से इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे हुक्स दिए हुए हैं साइड में, अगर आप माइक्रोवेव इसके साथ रख रहे हैं तो माइक्रोवेव की जो एक्सेसरीज़ हैं या माइक्रोवेव में यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे हैंग करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अवन के साथ इसे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अवन के ऊपर जब भी यूज़ करना होता है सामान हटाना पड़ता है, तो यहाँ पर ये दो सेल्फ मुझे मिल जाती हैं, तो उसके ऊपर जो भी सामान रहेगा उसे हटाए बिना ही यहाँ पे अवन में यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जस्ट रेंडम स्टफ़ जो मेरे पास था वो मैंने रख दिया है, तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये हुक्स हैं, तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे हैंग करनी है उस तरह से हैंग कर सकते हैं।
सेकेंड प्रोडक्ट भी इस तरह की एक सेल्फ है जिसे आप एज अ बुक सेल्फ यूज़ कर सकते हैं या किचन में भी काफ़ी सारे बॉक्सेस को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरी किचन सेमी मॉड्यूलर है तो मुझे इसकी ज़रूरत थी इसलिए मैंने ये परचेस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छे से पैक्ड होके आया है तो कोई भी चीज़ टूटने का ऐसा कोई चांस नहीं है। तो चलिए इसे अनबॉक्स कर रही हूँ मैं आपके सामने, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं। बॉक्स के खुल जाने के बाद इसके अंदर भी सेम उसी तरह से सामान अलग अलग है, इसकी सेल्फ बनी हुई है इस तरह से तो इनको कुछ भी नहीं करना है और ये पूरी मेटल की हैं तो इसमें दो सेल्फ हैं और बाकी इसकी इस तरह की रॉड्स हैं जिन्हें हमें आपस में फ़िक्स करना है और आपस में फ़िक्स करने के लिए भी इनके साथ प्लास्टिक के दो वॉशर टाइप आप कह सकते हैं इनके बीच में फिट करना है तो उन्हें आप इजीली टाइट कर सकते हैं। और ये सेल्फ काफ़ी ऊंची भी आती हैं, 4 या 5 सेल्फ की भी हैं ये, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं फ्लिपकार्ट पर, तो आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आप उस तरह के मंगा सकते हैं। और यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन के लिए एक पेपर दिया हुआ है जिसमें सारी चीज़ें ईजिली मैंशन हैं तो आप उसे बहुत आसानी से असम्बल भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे असम्बल करना शुरू करते हैं और यहाँ पर भी आप प्रोडक्ट को अच्छे से पहले चेक कर लें कि सारी चीज़ें हैं कि नहीं, उसके बाद इसे असेंबल करना शुरू करें। तो यहाँ पर दो पाइप को आपस में जोड़ना है तो इनके बीच में होल्स बने हुए हैं और इस तरह की ये ट्रे हैं जो सेल्फ का काम करेंगी, तो इस तरह से ये रॉड इसके अंदर जानी है और उसके बाद जहाँ पर ये होल है उसके अंदर एक और रॉड डाल के उसे हमें लॉक करना है। इन रॉड्स को आपस में लॉक करने के लिए इस तरह से ये प्लास्टिक के पार्ट्स दिए हुए हैं जो दो पोर्शन में हैं, इन्हें आपस में अटैच करके हमें इसके अंदर फिक्स करना है इसे, जिससे ये काफ़ी टाइट हो जाता है। अगर आप रॉड को डालेंगे तो रॉड ऊपर नीचे इजीली जा रही है इसमें, तो इस तरह से प्रेस करते हुए इसको अंदर डालना है ताकि अच्छे से लॉक हो जाए। तो इस तरह का ये पार्ट इन्होंने दिया हुआ है और इसमें साइन बना हुआ है कि किस तरफ आप उसको रखें और इसे लॉक करें, तो वो आप चेक करें उसके बाद ही इसे फिक्स करें। तो ये बहुत आसानी से बिना हिले हुए इसके अंदर फिक्स हो जाता है और फिर आपकी टेबल स्टडी हो जाती है काफ़ी। तो ये इस तरह से लॉक कर दिया है और फिर इसे ऊपर की तरफ खींचे या फिर नीचे की तरफ भी आप डाल सकते हैं, वो आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से कर सकते हैं।
इस तरह से पूरी सेल्फ लगने के बाद ये इस तरह की दिख रही है, और ये बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है, मतलब आप भारी सामान इसके ऊपर नहीं रख सकते हैं। और हाइट आप देख सकते हैं कितनी है इसकी, और ऑनलाइन ये इस तरह की दिखती है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें, जिस तरह की दिखती है उसी तरह की ऑलमोस्ट है। और दूसरी सेल्फ ये है, इसकी लेंथ और विड्थ यहाँ पे दी हुई है। तो होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा हो, अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।